हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, जैसे आप सभी को मालूम है, बहुत ही सुपर और टेक्निकल तरीके से बहुत ही इजी रूम में आपको इसके सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट होगी एक नए टॉपिक से, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि इस बुक का ये चैप्टर नंबर 11 है। तो चैप्टर नंबर 11 आज की वीडियो से स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट तकनीकी के साथ। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा एक ही कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखे हैं, ब्याज परसेंट बराबर ब्याज। जैसे कि यहाँ पर एक साइड में संख्या रुपये में आएगी, दूसरी साइड में परसेंट में आएगी। तो जैसे ही ब्याज परसेंट से ब्याज को डिवाइड करेंगे तो मूलधन राशि प्राप्त होती है। ऐसे ही यहाँ पर मिसधन परसेंट को मिसधन से डिवाइड करेंगे तो मूलधन राशि प्राप्त होती है। और आप सभी को मालूम है कि साधारण ब्याज एक प्रकार का बिल्कुल सरल ब्याज होता है, और साधारण ब्याज का जो रूल होता है वो ये होता है, आप सभी को मालूम है, साधारण ब्याज बराबर SI बराबर PRT अपॉन 100, ये वाला। या यूँ कह सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो साधारण ब्याज का सिंपल सा रूप आप सभी को मालूम है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और जैसे कि मिसधन भी आप जानते हो, मिसधन होता है मूलधन में जब ब्याज, जब साधारण ब्याज जोड़ दिया जाता है मूलधन में, तो वह मिसधन बन जाता है। तो मिसधन कह सकते हैं इंग्लिश में इसको अमाउंट। तो अमाउंट बराबर होता है मूलधन जमा ब्याज, यानी कि मिसधन हो जाएगा मूलधन जमा ब्याज। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मिसधन बराबर होता है मूलधन जमा ब्याज, इसको हम मिसधन कहते हैं। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए नॉलेज में, लेकिन करने के तरीके हम थोड़ा अलग स्टाइल रखेंगे, बट आपको पता होनी चाहिए नॉलेज के तौर पर। तो यहाँ पर हमारा ये फिलहाल अभी इसमें हम कुछ क्वेश्चन इस बुक के अकॉर्डिंग जो इस बुक में लिखे हुए हैं उनका सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चनों का साधारण ब्याज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है, और जस्ट उसके 10-15 क्वेश्चन बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का। तो जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसके छोटे छोटे पॉइंट हम आपको तभी बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ज़बरदस्त तरीके से देखिए आप इसको, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में ही हम इसको सोल्व करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, देखिए। अमर ने 3500 रुपये की राशि ऋण के रूप में ली, यानी कि उधार ले लिया अमर ने 3500 रुपये, और दो वर्ष बाद 325 रुपये 50 पैसे ब्याज के रूप में उसने चुकाया, यानी कि 2 साल का ब्याज उसे देना पड़ा 325 रुपये 50 पैसे। किस राशि पर देना पड़ा? 3500 रुपये की राशि पर 2 साल बाद। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या रही थी ये हमें बताना। तो देखो, हमारा ब्याज आ गया, तो मैंने कहा था इक्वल टू इक्वल फॉर्म में एक साइड में हम ब्याज लिखेंगे कितना ब्याज है। तो ब्याज देना पड़ रहा है उसको 325 रुपये 50 पैसे, और ब्याज हमेशा मूलधन पर ज्ञात किया जाता है, मूलधन पर ब्याज मिलता है। तो कितना मूलधन था हमारा? 3500 रुपया मूलधन था। अब यहाँ से हम इसको देखते हैं कि इस 3500 रुपये पर इसको 2 वर्ष के बाद जब इतना ब्याज देना पड़ा तो किस परसेंट से देना पड़ा। जैसे कि मैंने प्रतिशत वाले चैप्टर में पढ़ाया, अगर किसी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करेंगे और परसेंट का चिन्ह, ये मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है। तो प्रतिशत में हम निकालना है, यानी कि ब्याज वार्षिक दर प्रतिशत निकालनी है, ये वाली बात। तो परसेंट में हमें आंसर देना, इसलिए 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखो, 2 जीरो से मैंने 2 दशमलव ये हटाए 2 जीरो से, अब 1 जीरो से मैंने इसको 1 जीरो काटा। अब यहाँ पर सिंपल तरीके से इसको हल करेंगे, देखिए 5 से काटेंगे, 5 7 35 70 बार, 5 6 30, 2 हो गए 5 5 25, फिर 5 रह गया 5 5। अब देखो, इसको आसानी से काट देंगे हम, 7 2 70, 7 9 63, 2 बचेंगे 7 21।
अब जैसे ही 10 से इसको भाग करेंगे तो 9.3 आ जाता है, 10 से इसको भाग करने पर 9.3। देखो एक एक छोटा छोटा पॉइंट बताया जा रहा है आपको। अब ये हमारी परसेंट दर आ गई, लेकिन ये जो ब्याज दर आई ये 2 वर्ष की आई टोटल। अगर मैं इसको 2 से भाग कर देता हूँ तो हमारा वार्षिक ब्याज दर आ जाएगी 2 चौक 8, 10 दशमलव हो गए 13, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 4.65%। ये रही हमारी वार्षिक ब्याज दर, जो कि ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो फ्रेंड्स ऐसे हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से धीरे धीरे क्वेश्चनों को पहले आपको समझाएंगे अच्छी तरीके से, जैसे ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो आप जितना फास्ट चाहे जितना तेज़ी से चाहे सेकंडों में क्वेश्चन को ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट आपको अभी ध्यान से इनको सीखना है, बहुत आसान होता है मैथ अगर उसको माइंड से ध्यान एकाग्र करके सीखा जाए, बहुत ईजी होता है, डिफ़िकल्ट नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3000 रुपये की राशि पर, ये हमारा मूलधन राशि हो गई, तो मूलधन राशि पर 3 वर्षों का 10% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 3000 रुपये पर 3 वर्ष का 10% की दर से, यानी कि 1 साल का 10% ब्याज लगता है तो 3 साल का 30% ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज हर साल समान होता है, इसलिए 1 साल का 10, 2 साल का 20, 3 साल का 30% हो जाता है। किस पर? 3000 रुपये की राशि पर। तो साधारण ब्याज हो जाएगा 3000 रुपये की राशि का 30% साधारण ब्याज बैठेगा, तो 30% कितना हो जाएगा, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और 300 तीन 900 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड ऐसे ही हम आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि क्वेश्चनों का सॉल्यूशन केवल 2 ही कॉन्सेप्ट से होता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एक साइड में संख्या और दूसरी साइड में रेशो या परसेंट आएगा। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का सॉल्यूशन संख्या पर ही रेशो या परसेंट मल्टीपल के रूप में होगा। तो यही एक ऐसे 2 मैथ के लिए सॉल्यूशन किए जाते हैं जो पूरे मैथ में केवल यही 2 तरीके हैं जिनसे मैथ का सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। इसके अलावा तीसरा सॉल्यूशन दुनिया में नहीं है, अगर है तो आप हमें बता दीजिए। केवल 2 ही स्टाइल है, इन्हीं से मैं आपका जो भी टोटल मैथ है उसका सॉल्यूशन मैं इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा, एक साइड में संख्या और बराबर रेशो या परसेंट, और दूसरा कंडीशन होगा संख्या पर ही रेशो या परसेंट मल्टीपल के रूप में होगा। यही होते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम हर चैप्टर का सॉल्यूशन आपके सामने कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस वाले सेकंड सॉल्यूशन के स्टाइल से किया जाएगा। तो देखो 1 साल की 12% वार्षिक ब्याज दर है, ध्यान से सीखो, बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन आपको मिलेंगे इस चैप्टर में। वार्षिक ब्याज दर 12% है 1 साल की, 5 वर्षों में 4520 रुपये जो मूलधन राशि है वह कितने रुपये हो जाएगी, यानी कि मिस धनराशि पूछ रहा है। तो मिस धनराशि कैसे बनती है अगर परसेंट में देखा जाए, यानी कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, कोई भी मूलधन राशि अपने आप में 100% होती है। अगर मेरा ब्याज 20% बनता है तो मैं उसमें मूलधन 100% में 20% ब्याज जोड़ूंगा तो 120% हो जाता है मिस धन। तो ऐसे हमारा मिस धन बनता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कैसे किया जाएगा, कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है तो उसमें ब्याज परसेंट जोड़ दिया जाए तो वो मिस धन में कन्वर्ट हो जाती है। और वो इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मिस धन ही पूछा गया है। 4520 रुपये मूलधन की राशि कितनी होगी, यानी कि मिस धन पूछा है। तो देखिए हमारी धनराशि है 4520 रुपये, और जैसे कि आपको मालूम है कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है। अब ब्याज की बारी आती है, 1 साल का 12% है तो 5 साल का 12×5=60% ब्याज हो जाएगा। जब 60% ब्याज होगा तो 100% मूलधन, तो 100 में ब्याज जोड़ेंगे 60% तो 160% वो मिस धन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस धनराशि का 160% निकाल लेंगे,
ये रहा संख्या पर ही गुणनफल रूप में रेशो या परसेंट चलेगा, ये रहा। तो यहाँ से हम इसका मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे कि उसका मिश्रधन कितना होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। परसेंट से मैंने दो जीरो काटा, अब 16 की गुणा करूँगा इसमें मैं, 16 दुनी 32, 3 हासिल, 16 पंजे 80, 3 83, यानी लास्ट की टू डिजिट देख लीजिए 32 किस में है, ऑप्शन ए में है 32, देख लीजिए 80 लगे 8, 16 चौका 64 और 8 72। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं ऑप्शन में और आप इसको हल भी कर सकते हैं। तो 7232 रुपये मिस डन हो जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो ऐसे हम हर क्वेश्चन को ईजी बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42,400 रुपये मूलधन राशि पर 12.5% वार्षिक दर से, यानी 12.5% एक साल का ब्याज लगने से कितने वर्षों में 26,500 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर हम इक्वल टू इक्वल करेंगे। देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। एक साइड में साधारण ब्याज की संख्या ये हमें दे गई है, वैसे इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन ए है, ये रहा। तो एक साइड में हमें संख्या दी गई है साधारण ब्याज की 26,500 रुपये, ये ब्याज है। तो इधर भी ब्याज ही करेंगे बट परसेंट वाला ब्याज करेंगे। देखो यहाँ पर हमें कितने वर्षों में समय निकालना है। 12.5% होता है, जैसे कि आप सभी को मालूम है 12.5% होता है 1/8, 1/8 होता है 12.5%। तो मैं यहाँ पर ज्ञात करूँगा एक साल का ब्याज, क्योंकि एक साल की वार्षिक ब्याज दर है 1/8। तो 42,400 रुपये का इधर ब्याज बराबर ब्याज करेंगे, 42,400 रुपये का 1/8 केवल एक साल का ब्याज है। तो हमें देखना है एक साल के ब्याज से जब मैं इसको काट दूंगा तो हमें मालूम हो जाएगा कि 26,500 रुपये कितने वर्षों का ब्याज होगा। चलिए देख लेते हैं, 8 से काटूंगा, 8 पंजे 40, 8 तीय 24, 2 जीरो ये लगाई। चलिए एक साल का ब्याज होता है 5,300 रुपया। अब 53 से इसको मैं भाग करूँगा, जितनी बार इससे ये संख्या कटेगी उतने ही वर्षों का ब्याज आ जाएगा 2,650 रुपये। तो समय हमें ज्ञात करना है, दो जीरो से मैंने दो जीरो काटा, 5 पंजे 25 और 3 पंजे 15, यानी 53 पंजे होता है 265। तो 5 बार मारनी चलिए, अर्थात कह सकते हैं 5 वर्ष लगेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 5 ईयर्स, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो 26,500 रुपये 5 वर्ष में ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त तरीके से आपके सामने इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखो मूलधन राशि है 2,400 रुपये और इस राशि पर 8.5% वार्षिक ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह 3,318 रुपये हो जाएगी। ये मिश्रधन है, मूलधन 2,400 और 8.5% की दर से यह 3,318 रुपये हो जाता है। तो कितने वर्षों में होता है, सिंपल सी बात है। आप देखिए सबसे पहले देखेंगे 2,400 रुपये की राशि 3,318 रुपये जो हुई इस पर कितना ब्याज लगा, 2,400 और 600 जोड़ेंगे 3,000 और 300 यानी 918। देख सकते हैं 2,400 से 3,318 यानी 918 रुपये ब्याज के लगे हैं। तो इक्वल टू इक्वल हल करेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ब्याज के हो गए 918 रुपये। तो इधर देखते हैं हमारा एक साल का कितना ब्याज बनेगा। ये तो टोटल ब्याज है हमारा, कुल ब्याज है 918 रुपये। यहाँ से हम ब्याज निकालेंगे, देखिए 0.5 हटाएंगे तो 85/10 और परसेंट की 2 जीरो, ये 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 200 बार, तो ये हो गया 17/200, सिंपल सा है। तो यहाँ से मैं ज्ञात कर लूँगा 2,400 रुपये पर एक साल का ब्याज कितना होता है। देखिए 2,400 रुपये पर एक साल का ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो 12 बार काटा, 12 गुणा 17,
तो 12 गुणा 17 ये होता है एक साल का ब्याज। अब ब्याज से ब्याज काटूंगा तो मालूम हो जाएगा कितने वर्ष का ब्याज टोटल हुआ 918। ये तो चलिए आप करते हैं 17 × 5 = 85, 6 बचेंगे हो गए 68, 17 × 4 = 68 कटिंग हो गई। 12 से काटते हैं, 12 × 4 = 48, 6 दशमलव लगाकर 6 के बाद 0, 12 × 5 = 60, 4.5 वर्ष। तो 4.5 वर्ष हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। देखिए हर क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल में ही क्लियर किया जा रहा है, तो 4.5 वर्ष ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 675 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं। 3 वर्षों में, यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज है। अगर मैं देखूँ 1 साल का ब्याज, वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान बनाया जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 3 × 6 = 3 × 6 = 3×5 = 15, 225 रुपये होता है 1 साल का ब्याज, 225 रुपये। देखो ब्याज बराबर ब्याज किया जाएगा, 225 रुपये ब्याज हो गया, और 1 साल का ब्याज दर है यहाँ पर 15%। तो देखो 15 से मैंने 225 को काटा 15 बार, और परसेंट की मैंने यहाँ पर 20 लगाई, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वह मूलधन राशि हो गई 1500 रुपये। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ चुका है, ऑप्शन सी इज राइट, 1500 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। एक साइड में ब्याज के रूप में इधर संख्या आएगी, दूसरी साइड में परसेंट आएगा, और इसी से मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने कर रहा हूँ। देखो 13% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, 1 साल का 13% साधारण ब्याज है, 4 वर्षों बाद वह 1520 रुपये प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि ऋण पर दी जानी चाहिए, यानी कि मूलधन पूछा है और ये हमारा मिश्रधन दिया है। तो यहाँ पर हम मिश्रधन बराबर मिश्रधन करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये वाला एक साइड में मिश्रधन संख्या के रूप में और दूसरी साइड में मिश्रधन परसेंट के रूप में। और जैसे आप सभी को मालूम है परसेंट के रूप में मिश्रधन होता है मूलधन 100% और प्लस उसमें ब्याज परसेंट जोड़ेंगे तो मिश्रधन परसेंट में आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं 1520 रुपये मिश्रधन प्राप्त होता है, कितनी मूलधन राशि हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ मिश्रधन बराबर इधर मिश्रधन करेंगे, 1 साल का 13% है, 4 साल का 13 × 52% हो जाएगा ब्याज, और मूल परसेंट 100 में जोड़ेंगे तो 152% हो गया मिश्रधन, ये हो गया इक्वल टू इक्वल। देखो इक्वल टू इक्वल हो गया बराबर बराबर, तो हम इसको हल करेंगे, 152 से मैंने 152 एक बार काटा और ये 0 बचेगी, यानी कि हम कह सकते हैं 152 धाम होता है 1520, और परसेंट की 20 ये लगेगी, तो 1000 रुपये मूलधन राशि थी, तो वह मूलधन राशि थी 1000 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। तो ऐसे हमें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाना है और आपका मैथ बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब बनाना है, आपको मैथ में बिल्कुल एक्सपर्ट, खतरनाक, ज़बरदस्त नीडर बनाएंगे हम, क्योंकि आपका मैथ जब आसान हो जाएगा तो आप डरोगे नहीं, हर क्वेश्चन हर एग्जाम के सॉल्यूशन को फिनिश करोगे, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान बना दिया जाएगा, क्योंकि हमारा कार्य यही है कि बच्चों को आसान से आसान सॉल्यूशन करके दिया जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, देखिए 15400 रुपये का धनराशि 37.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 9 माह का ब्याज कितना है। देखो ये हमारा 1 साल का ब्याज है, तो 1 साल का 37.5% है, इसको 3/8 लिख देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है फ्रैक्शन में 37.5 होता है 3/8, जैसे 12.5 होता है 1/8, तो 12.5 का 3 गुना है ये, तो 1/8 का 3 गुना हो गया 3/8, तो ये हमारा 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है ये हमारा।
चलिए देख लेते हैं। अब हमें 9 माह का ब्याज निकालना है। देखो कैसे निकालना है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, संख्या पर ही रेशो या परसेंट चलेगा गुणनफल के रूप में। तो हमारा मूलधन राशि आ गई 15,400 रुपये। इस पर हमें वार्षिक ब्याज दर लगानी है 3/8 और समय दिया है हमें 9 माह के वर्ष बनाएंगे 12। सिर्फ भाग 9 माह के वर्ष बनाने के लिए उसे 12 से भाग करते हैं, तो यहाँ से हमारा आंसर हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए आसानी से करते हैं, चलिए कर लेते हैं इसको। 3 × 12 ऐसे काटेंगे, 3 × 12 और 4 से इसको काट लेंगे, 4 से या 8 × 32 16, चलिए 4 से काट लेंगे, छोड़ दो, छोटा कर लीजिए। 4 × 3 = 12, 3 हो गया यहाँ पर 34, 34 4 × 8 = 32, 2 × 4 = 20 0 ये आ गया। अब देखो 9 से गुणा करके यहाँ पर 8 से भाग करना है, तो पूरा पूरा तो नहीं कटेगा ये, बट डेसिमल में कटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आसानी से डेसिमल में भी काट सकते हैं। 9 × 0 = 0 देखो, और 9 × 5 = 45, 4 × 9 = 72, 4 × 6 = 76, 7 × 9 = 27, 3 × 3 = 34 = 34, बटे में 8 से भाग करेंगे। तो देखो यहाँ से मालूम हो जाएगा 8 × 32, 4 बार मारनी चलेगी, 8 × 32, 2 हो गया 26, 8 × 3 = 24, 43, 43 देख लो किस पे दिखाई दे रहा है, 43 से 43 यहाँ नहीं है, यहाँ पर है 43, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो ऑप्शन सी इज राइट। पूरा कैलकुलेशन मत करो, बस इतने से ही हमें मालूम हो जाता है वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 4331.25, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकल गया। तो 9 माह का ब्याज होगा 4331.25। क्वेश्चन नंबर 9, जबरदस्त क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी आपके सामने जबरदस्त होगा। देखो ₹1750 के ऋण पर 5% मासिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताएं। देखो मूलधन राशि है ₹1750 और उस पर इस बार ब्याज लगाया है मासिक, मासिक का मतलब हो गया 1 महीने का ब्याज, जबकि अन्य क्वेश्चनों में वार्षिक ब्याज दर थी, यहाँ पर है मासिक ब्याज दर। 1 महीने का 5% ब्याज लगता है, तो 12 महीने में ब्याज हो जाएगा 12×5=60%, और 12 महीने होता है 1 वर्ष का, तो 1 वार्षिक ब्याज दर हो जाएगी 12×5=60%। हम कह सकते हैं वार्षिक ब्याज दर 60% है, 1 साल की 60%, तो 2 साल का हमें साधारण ब्याज निकालना, जब 1 साल का ब्याज 60% बनता है तो 2 साल का 120% ब्याज बनेगा। तो अब हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है ये देख लीजिए, संख्या पर ही मल्टीपल के रूप में रेशो या परसेंट, ये वाला सेकंड कॉन्सेप्ट। मैंने जैसे आपको बताया कि दुनिया में मैथ के सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन है, फर्स्ट और सेकंड, इसी से पूरे दुनिया का, ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी पूरे विश्व में, कहीं भी आप मैथ का सॉल्यूशन करना चाहेंगे सब इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से होता है, चेक कर लीजिए आप कहीं पर भी जाकर, जैसे मैं भी आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप मुझे ही चेक कर लीजिए, मेरे ही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप चेक कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। देखिए तो हमारा साधारण ब्याज निकालना है मूलधन राशि पर ₹1750 पर। देखो 1750 का आ गया ये का मतलब गुणनफल ये वाला, अब 1 साल का 60%, 2 साल का 120% ब्याज हमें फाइंड करना है यहाँ पर। देखिए तो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, अब 12 के 175 की गुणा की जाएगी, 12×5=60, 6 × 12 = 84, 6 × 90, 9 × 12 = 21, 2100 रुपये हमारा ब्याज होगा। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 2100 रुपये, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, चेक कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका। नेक्स्ट, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर
तीन वर्षों में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर बताए कितनी है। देखो इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो कोई धनराशि तीन वर्ष में दुगनी होगी तो यहाँ पर हम कहेंगे एक से तीन गुनी सॉरी दुगनी हो गई, एक से दुगनी यानी कि जितनी धनराशि थी उतनी ही और उस पर ब्याज लगा उतना ही, तभी तो एक से दो हो गई यानी कि दुगनी हो गई। और एक अपने आप में 100% हो तो दो 200% हो जाएगा, यानी कि अगर मूल धनराशि 100 थी तो अब वह 200 हो गई, तो इसका मतलब 100% का ब्याज लगेगा। देखिए 100% का ब्याज लगेगा तो 100% का ब्याज कितने साल में लगेगा, तीन साल में। तो तीन से इसको डिवाइड करेंगे, तीन साल में लगा ये 100% ब्याज, तो यहाँ तीन से डिवाइड करेंगे तो वार्षिक ब्याज दर हमारी आ जाएगी। चलिए कर लेते हैं तीन से इसको, तीन तीय नौ, तीन तीय नौ एक बचेगा बटे भाजक संख्या तीन, तो ब्याज दर आ गई 33/1/3%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक ही टारगेट है हमारा कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान करके दिया जाए। तो यही वर्क करता हूं मैं आप सभी बच्चों के लिए। तो प्यारे बच्चों आज का ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट चल रहा है और इसमें हम आपके लिए बहुत ही आसान सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखिए 12.5% होता है 1/8, जैसे आप सभी को मालूम है पहले भी आ चुका 12.5%, तो 12.5% को हम कह देते हैं 1/8, लिख लेंगे अलग से 1/8। तो 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में तीन गुणी हो जाती है, देखिए कितने वर्षों में तीन गुणी हो जाती है। अब आप जानते हो एक से तीन गुणी हो गई है, तीन गुणी यानी कि दो का ब्याज लगा, और एक अपने आप में 100% होता है, जैसे मैंने परसेंट वाले चैप्टर में बताया कि एक 100%, दो 200%, तीन 300% होता है ऐसे। तो यहाँ पर 200% 100, एक अपने आप में 100% और दो का ब्याज लगा है तीन गुना होने के बाद, तो 200% का ब्याज लगा, ये 200% का ब्याज लगा है। कितने वर्षों में तीन गुणी हो गई, यानी कि यह कोई धनराशि एक से तीन गुणी हो गई यानी कि दो का ब्याज यानी कि 200% ब्याज लग गया, तो कितने वर्षों में हुआ ये, एक साल का 12.5% ब्याज है और टोटल हुआ हमारा 200% ब्याज, तो इक्वल टू इक्वल हो गया। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर 200% ब्याज बराबर है, यहाँ पर एक साल का वार्षिक ब्याज 1/8 होता है, तो परसेंट से मैंने 20 काटा और 8 × 2 = 16, 16 वर्ष आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इजी और आसान तरीके से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें ज्ञात हो गया है। देखिए 8 × 2 = 16, 16 वर्षों में हो गया, देखो ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो फ्रेंड बहुत ही इजी और आसान सॉल्यूशन, पूरे मैथ के हर चैप्टर के, चाहे एसएससी सीजीएल हो, कोई भी किताब हो एसएससी सीजीएल की, सभी का सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कोई धनराशि साधारण ब्याज दर से तीन वर्षों में तीन गुणी होगी, यहाँ से देख लीजिए एक से तीन गुणी हुई तो दो का ब्याज लगेगा, कितने वर्षों में लगा है देख लीजिए, तीन वर्ष में दो का ब्याज, ऐसे लिख लीजिए इक्वल टू इक्वल फॉर्म में, तीन वर्षों में दो का ब्याज, तो कितने वर्षों में, यहाँ लिख लीजिए कितने टाइम, टाइम का मतलब वर्षों में, नौ गुणा हो जाएगी, एक से नौ गुणा तो मतलब 8 का ब्याज, ये लिख दिया 8 का ब्याज, बस फिनिश। देख लीजिए 2 × 8 = 3 × 12, 12 वर्षों में हो जाएगा, टी का मान आ गया 12 वर्ष, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी इज राइट। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन और बहुत ही आसान सॉल्यूशन आपको बनाकर दिए जाएंगे, नंबर 1 आपका मैथ बनाया जाएगा। हमारा प्रॉमिस है आपसे कि आपको मैथ में
सबसे खतरनाक बना दिया जाएगा। और यदि आपको यकीन नहीं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको सेटिस्फाइड करेंगे या मिल लीजिए। सेकंडों में आपसे मैथ आ जाएगा, आपका डर फिनिश हो जाएगा। गारंटी है हमारी, मैथ आपसे बहुत ही जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप एक महीना, मात्र एक महीने में मैं आपको मैथ में ट्रेंड बना दूंगा बिल्कुल खतरनाक, इस कॉन्सेप्ट को सिखा कर। फिर आप अपने आप क्वेश्चनों का सोल्यूशन निकाल सकते हो अपने आप, कहीं पर भी किसी भी जगह बैठ के कोई भी बुक, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड है आसानी से आप इससे निकाल सकते हो। ये हमारी एक महीने की ट्रेनिंग है, इसमें हम आपको परफेक्ट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड करेंगे। एक महीने की ट्रेनिंग में हम इसको आपके माइंड में सेट कर देंगे।